नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल साकला आपका फिर से यूटर्न डिजिटल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम 12 सवाल सीरीज के देखने वाले हैं, जिसमें ध्यान से देखोगे तो पहले यहां पर जो सवाल है उसमें सात से लगा के 121 तक की संख्या लिखी हुई है, जिसमें चार संख्याओं में ही एक साथ संख्याएं बढ़ गई है। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि 121 जो है ये 11 का वर्ग भी होता है और 121 जो है 125 के पास की संख्या भी होती है। तो दोस्तों, एक बार ध्यान रखें, यहां पर जो है कॉन्सेप्ट या तो स्क्वायर का होगा या फिर क्यूब का होगा। तो दोस्तों, ध्यान से देखा तो ये सात जो है ये दो का क्यूब मैंने किया तो यहां पर आठ आया है, और दो का क्यूब में से जब मैंने एक को कम किया तो सात हो गया। दोस्तों, वैसे वैसे ये जो 25 है दोस्तों, ये 25 जो है तीन का क्यूब 27 होता है, और तीन का क्यूब में 27 में से जब हम दो कम करते हैं तो 25 आता। इसका मतलब दो का क्यूब और एक कम करो, यहां पर तीन का क्यूब और दो कम करो तो यहां पर 61 जो आया होगा वो आया होगा दोस्तों चार का क्यूब 64, और उसमें से तीन कम किए होंगे। तो दोस्तों, 64 में से तीन कम होते हैं तो यहां पर 61 आता। और ये 121 जो है ये पांच का क्यूब 125, और 125 में से चार कम करते हैं तो 121 आता। तो दोस्तों, दो तीन चार और पांच का यहां पर क्यूब हुआ तो इस बार जो क्यूब होगा वो छह का क्यूब होगा, और एक दो तीन चार को कम किया तो इस बार पांच कम होंगे। तो दोस्तों, छह का क्यूब जो होता है वो 216 होता है। दोस्तों, छह का क्यूब जो हुआ है वो 216 हुआ है, और जब मैंने इसमें से पांच कम किया तो मेरा जो आंसर आया है दोस्तों वो 211 हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो 211, इसका मतलब आपका बी विकल्प सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, और इसको आप ध्यान से देखो तो देखोगे तो आपका इसका जो अंतर है, यहाँ पे 7 और 12 का अंतर 5 है, और 12 और 22 का अंतर जो है वो 10 का अंतर है। उसके बाद में 22 का सीधा 42 हो गया, इसका मतलब इसमें जो अंतर हो गया वो 20 का हो गया, और यहाँ पे लास्ट में जो है 42 से 82, इसका मतलब 40 का अंतर है। इसका मतलब 5 का दो गुना जो होता है वो 10 होता, 10 का दो गुना 20 होता, और 20 का दो गुना यहाँ पे 40 है, तो इस बार जो अंतर होगा वो 40 का दो गुना, इसका मतलब 80 का अंतर होगा। तो दोस्तों, 82 में जब हमने 80 को ऐड किया तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा दोस्तों 162। तो क्वेश्चन सेकंड का जो आंसर आया है वो बी विकल्प हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। दोस्तों यहां पर जो तीसरा सवाल है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये -1 है और ये 0 है। जब -1 में प्लस का 1 करते हैं तो 0 आता, तो इसका मतलब यहाँ पे +1 हुआ। आगे क्वेश्चन मार्क है तो हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन 8 से 15 में जब मैं देखूंगा तो दोस्तों 8 और 15 का जो अंतर है वो 7 का अंतर है, तो यहाँ पर 7 हुआ। और 15 से जब 24 होता है तो आगे जो अंतर है वो 9 का अंतर है। तो दोस्तों, यहाँ पे 7 यहाँ पे 9, मतलब 2 प्लस है, 7 में जब मैंने 2 ऐड किया तो 9 आया। तो दोस्तों, यहाँ पे हम उल्टा चलेंगे, यहाँ पे 9 है तो उसके बाद में 2 कम किया तो 7 आया, तो 7 में 2 कम करो तो 5 आएगा, 5 में 2 कम करोगे तो 3 आएगा, और 3 में 2 कम करोगे तो 1 आएगा। क्या पता यहाँ पर 1 तो है, 7 और 9 है, तो हो सकता है कि बीच में 3 और 5 आया होगा, तो 0 में 3 ऐड करोगे तो यहाँ पर 3 ही आएगा, और 3 में जब मैं 5 ऐड करूंगा तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब इस सवाल में एक जो लगातार जो है एडिशन हुआ है प्लस 2 का, कि 1 फिर प्लस 2 मतलब 3, 3 में प्लस 2 मतलब 5, तो यहाँ पे 0 में प्लस 3 किया तो इसमें जो आंसर आया वो 3 आएगा, और तभी तो 3 के बाद में प्लस 5 करने से 8 आएगा, फिर 7 करने से 15, तो आपका जो आंसर होगा तीसरे में भी जो दोस्तों बी विकल्प होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। दोस्तों, क्वेश्चन फोर्थ आपके सामने, और इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि 2 और 3 लगातार है, फिर 4 नहीं और 5 है, फिर 6 और 7 लगातार है, फिर 8 नहीं 9 है, 10 और 11 लगातार है, फिर 12 नहीं यहाँ पे 13 है। इसका मतलब आगे जो आएगा वो 14 और 15 लगातार आएंगे, और फिर 16 नहीं यहाँ पे 17 आएगा। तो आपको 13 के बाद की ही वैल्यू पूछी तो आपका जो आंसर होगा वो 14 होगा। ये बेसिक सीरीज है, आप इसको थोड़ा सा सोचेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, चौथे का जो विकल्प होगा वो सी विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
दोस्तों पांचवा सवाल आपके सामने है और इसको आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि पांच का दो गुणा जो है यहाँ पे 10 होता और 11 का दो गुणा 22 होता, तो हो सकता है कि दुगुना करके +1 एंड -1 हुआ होगा। तो दोस्तों पांच का जब मैंने दो गुणा किया तो 10 हुआ और +1 करने से 11 आया, और आगे दोस्तों जब मैंने 11 को दो गुणा किया तो 22 हुआ और एक कम तो 21, इसका मतलब दुगुना करके एक कम। तो दोस्तों पहले दुगुना करके +1 हुआ, फिर दुगुना करके -1। अब इस बार देखते हैं 21 का दो गुणा जो होता है वो 42 होता। दोस्तों 21 का दुगुना 42 एंड +1 करने से 43 आता। तो दोस्तों इंटू 2 +1 इंटू 2 -1 इंटू 2 +1, तो यहां पर हुआ है इंटू 2 -1, क्योंकि 43 का दुगुना जो है 86 होता और -1 करने से 85 आता। तो अब इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे और लास्ट में जो होगा वो दुगुना होके +1 होगा। दोस्तों तो 85 का जब मैंने दुगुना किया तो 5 दूनी 10 और 16 और 1 17, तो 170 हुआ, और जब आप इसमें +1 ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 171 आएगा। दोस्तों तो पांचवे का जो आंसर आया है वो सी विकल्प हुआ है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। दोस्तों 6 सवाल आपके सामने है और इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो संख्याएं हैं ये 5 की मल्टीपल हैं। पहले इसने 5 से गुणा किया, 1 को तो 5 आया, फिर 5 को 5 से गुणा किया 25 आया, और 25 को 5 से गुणा किया तो 125 आया। तो इसका मतलब हर बार जो है आपको 5 से ही गुणा करना। तो इस बार पहले तो 125 को हम 5 से गुणा करेंगे। तो दोस्तों 125 को जब मैंने 5 से गुणा किया तो यहां पर जो संख्या आई है वो आई है दोस्तों 625। तो पहली संख्या आपकी 625 हो तो ए विकल्प आपका बी विकल्प कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं और आगे जब हम 625 को हम 5 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 625 को मैं 5 से गुणा किया तो 25 और 5 से गुणा करने से 125 आता, तो पीछे 125 रहेगा और 125 तो हासिल 1 होगा, और 6 और 5 को गुणा करेंगे 30 और 1 31 हो जाएगा। दोस्तों तो 625 के बाद में 31 25 होना चाहिए, तो ये यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो 6 का जो आंसर हुआ है वो डी विकल्प होगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आगे आपको 5 से गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 विकल्प में से 3 विकल्प कैंसिल हो चुके हैं, इसका मतलब चौथा आपका आंसर होगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। दोस्तों आपके सामने 7वां सवाल और इसमें दे रखा है एक सीरीज, आपको इसी को सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले इस फॉर्मेट को सॉल्व करें, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आएगा एंड 49 में +1 करेंगे तो 50। तो पहली जो संख्या है वो 50/7 है। आगे 8 को 6 से गुणा करें तो 48 आएगा एंड 48 में +2 करेंगे तो यहाँ पे 50 एंड डिवाइडेड बाई 6 होगा। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 5 45 और 5 यहाँ पर 50 एंड 50 डिवाइडेड बाई 5 आएगा। इसका मतलब 50 डिवाइडेड बाई 7, 50 डिवाइडेड बाई 6, 50 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 50 डिवाइडेड बाई 4, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा दोस्तों 50 डिवाइडेड बाई 3। देखो 16 और 3 48 और 2 50/3। तो दोस्तों इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो सबके ऊपर 50, तो इसमें भी 50 आएगा आंसर में, और नीचे घटती हुई संख्या तो यहाँ पे 2, तो आंसर जो होगा वो 50/2 होगा दोस्तों। और यहाँ पर विकल्प में 50/2 जो है आपके सी विकल्प में है, तो आपका 7th का जो आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। दोस्तों 8वां सवाल आपके सामने है और आप ध्यान से देखें इसको कि ये 26 जो है ये 5 के स्क्वायर के पास की वैल्यू है, और ये 5 जो है 2 के स्क्वायर के पास की वैल्यू है। इसका मतलब हर एक संख्या जो है पिछली संख्या के वर्ग के पास की वैल्यू है। तो दोस्तों यहां पर जब मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, +1 करने से 2 आता है। दोस्तों आगे 2 यहां पर है तो 2 का स्क्वायर मैंने किया तो 4 आया, +1 करने से 5 आता है। दोस्तों आगे जब हम चलेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 है और +1 करने से 26 आता, तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो 26 का स्क्वायर करेंगे और +1 करेंगे तो आपका आंसर आएगा। दोस्तों 26 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 676। दोस्तों ध्यान से 26 का स्क्वायर होता है 676, और इसमें आपको करना है +1, तो +1 करने से आपका आंसर आ गया 677। दोस्तों
तो आपके सामने जो आठवां सवाल था इसका आंसर होगा ए विकल्प। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। दोस्तों नाइन्थ जो सवाल है वो आपका डिफरेंस हो जाएगा, और दो और पांच का जो अंतर है वो तीन का है, और आगे जो अंतर है वो पांच का है। 10 और 17 का अंतर 7 का है, और जब आगे अंतर देखोगे तो वो 9 का होगा। दोस्तों 3 में +2 किया तो 5 आया, 5 में +2 किया तो 7 आया, 7 में +2 किया तो 9। इस बार 9 में +2 किया तो दोस्तों 11 हुआ है। इसके बाद 26 एंड 11 का आपका आंसर होगा। 26 एंड 11 को जब मैंने ऐड किया दोस्तों तो 6 एंड 1 यहाँ पर 7 हुआ, 2 एंड 1 यहाँ पे 3 हुआ, तो नाइन्थ का जो आंसर होगा वो 37 होगा दोस्तों। तो यहां पर जो विकल्प होगा वो सी विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। दोस्तों यहां पर जो 10 सवाल है, 10 नंबर इसमें लिखा हुआ है कि इस सीरीज में पॉइंट वाइज है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो 0 यहां पे 15 है पॉइंट में। तो दोस्तों 0.15 को जब मैं 2 से गुणा करता हूं तो यहां पे 0.30 आता है, लेकिन पॉइंट के बाद में 30 नहीं लिखेंगे तो भी एक ही बात है, 0.3 भी चलेगा। इसका मतलब 0.15 को दुगुना किया तो 0.3 आएगा, और 1.2 को दुगुना किया तो 2.4 आएगा। इसका मतलब हर बार यहाँ पे दुगुना हुआ होगा। तो दोस्तों 0.3 को जब मैं दुगुना करता हूँ तो यहाँ पे 0.6 आता, और 0.6 को दुगुना करता हूँ तो यहाँ पे 1.2 आ जाता। तो दोस्तों यहाँ पे 0.15 दुगुना करने से 0.3, 0.3 को दुगुना करने से 0.6 यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, एंड फिर से दुगुना करने से 1.2 आ रहा है। इसका मतलब 10 का जो आंसर होगा वो 0.6 होगा दोस्तों। तो यहां पर जो आंसर हुआ है वो ए विकल्प होगा दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, और इसमें अपन डिफरेंस देखते हैं तो 127 में प्लस 4 करते हैं तो 131 आता है। आगे 131 में जब प्लस 8 करेंगे तो ही 139 आएगा दोस्तों। तो प्लस 4 एंड प्लस 8 है, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। थोड़ा सा हम आगे देखेंगे ताकि पता चलेगा कि इसमें क्या सीरीज बैठी है। तो दोस्तों 151 है, और यहां पर 155, तो इधर प्लस 4 हुआ, और 155 में जब प्लस 8 करते हैं तो यहां पे दोस्तों 163 आता, और लास्ट में यहां पर फिर से प्लस 4 हो गया। इसका मतलब ये है कि सीरीज में एक बार प्लस 4 हुआ और दूसरी बार प्लस 8, प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8। तो दोस्तों यहां पर प्लस 8 के बाद में अब होगा दोस्तों प्लस 4। तो 139 जो है इसमें प्लस 4 किया मैंने, तो दोस्तों प्लस 4 करने से 139 में एक ऐड किया तो 140, अब तीन ऐड किया तो 143 हो गया दोस्तों। और 143 में जब हम यहां पर 8 ऐड करते हैं तो हमारा आना चाहिए 151। तो दोस्तों यहां पर 143 8 ऐड किया तो 151 आता ही है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो 143 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आप जो 11th में ऑप्शन लगाएंगे वो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और लास्ट सवाल इस वीडियो का है क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों जो 12वां सवाल है उसको आप ध्यान से देखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और ऐसा सवाल हमने पहले भी बता रखा है कि यहां पर 1 एंड 1 का एडिशन करते हैं तो 2 आता है दोस्तों, और ये 2 आपके सामने है। उसके बाद में 1 प्लस 2 करते हैं तो 3 आता दोस्तों। इसका मतलब इन दोनों का ऐड किया तो यहाँ पे है, 1 एंड 2 का ऐड किया 3 आया, तो आगे लिखा हुआ है 2 और 3 को ऐड किया तो 5 आया दोस्तों। इसका मतलब इसी को हम आगे चलेंगे, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर पिछले 3 और 5 का एडिशन होगा। तो दोस्तों 3 और 5 को जो मैं ऐड किया तो आंसर 8 आया। तो एक बार यहाँ पे चेक भी करते हैं कि 8 सही है क्या, तो 5 और 8 कितने होते हैं? तो दोस्तों 5 और 8 जो होते हैं वो 13 होते हैं, और 8 और 13 जो है वो 21 होते हैं। इसका मतलब पिछली दोनों संख्याओं का योगफल आगे हैं, 1 और 1 2, 1 और 2 3, 2 और 3 5। तो हमारा जो आंसर हुआ है वो 3 और 5 का एडिशन हुआ है। तो दोस्तों 12वें का विकल्प होगा वो डी विकल्प होगा दोस्तों। आई होप कि ये आपके 12 सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों हम हमेशा जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में लिंक भेजते हैं, और उसमें आपको पीडीएफ भी मिलती है दोस्तों, बाइलैंग्वल होती है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की। तो दोस्तों आप जो है वीडियो में जो लिंक दे रखी है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, और आप अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों चैनल को, बेल आइकन जो है उसको क्लिक जरूर करवाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।